नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपका BSNL का सिम है और भाई आप BSNL का सिम अपने फ़ोन के अंदर लगा रखे हो और आपका नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। आप अब स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से ई लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। देखो ई लिखा हुआ बार बार आ रहा है, ठीक है। कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हो यही लिख के आता है और कभी कभी हो सकता है कि H+ लिख करके आ जाता हो, ठीक है। तो भाई आप करोगे क्या, सबसे पहले तो भाई यहाँ पे देखो मेरा स्क्रीन थोड़ा फूटा हुआ है, इसे आप मैनेज कर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक समझ लेना, आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ई लिख करके आ रहा है और कभी कभी यहाँ पे H+ लिख करके आ रहा है, ठीक है। ई प्लस का यहाँ पे ई का मतलब हो जाता है 2G नेटवर्क, ठीक है, और H+ का मतलब हो जाता है आपका 3G नेटवर्क। वहीं यदि वोल्टी लिख करके आ जाएगा या फिर LTE लिख करके आ जाएगा या 4G लिख करके आ जाएगा तो फिर वो समझना कि वो 4G आपका नेटवर्क है, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है, ठीक है। देखो मेरे भाई सेटिंग, ये मेरा सैमसंग का फ़ोन है पुराना, तो यहाँ पे सेटिंग मैं डायरेक्टली यहाँ से आ जाता हूँ। बाकी यदि आपका कोई और फ़ोन है तो भाई आप सेटिंग में चले आना, ठीक है। सेटिंग में चले आने के बाद आपको यहाँ पे मोर कनेक्शन सेटिंग देखने को मिलेगा। हो सकता है अलग अलग डिवाइस में अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलता है, रेडमी रियलमी के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन सब में एक कॉमन होगा मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। आपको चुपचाप से सेटिंग में आकर के मोबाइल नेटवर्क को ढूंढ लेना है, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क को आप ढूंढोगे, मोबाइल नेटवर्क को ढूंढने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम्स, ठीक है। एक्सेस पॉइंट नेम्स, आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे ही एक्सेस पॉइंट नेम्स के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो फिर यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड का और मोर का, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो ऐड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो कुछ इस प्रकार से आपको एक्सेस पॉइंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, इसी में से आपको सेटिंग करना होता है, ठीक है। अब क्या सेटिंग करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे नेम के अंदर जो है आपको आ जाना है और नेम के अंदर आकर के आपको यहाँ पे टाइप करना है BSNL, ठीक है, रैपिड नेट। ध्यान रहे दोस्तों कैपिटल B होना चाहिए, कैपिटल R होना चाहिए और कैपिटल N होना चाहिए, ठीक है। BSNL लिखोगे उसके बाद देखो कैपिटल B लिखोगे, बाकी सारा स्मॉल लेटर में है, SNL स्पेस दोगे, फिर कैपिटल R लिखोगे, फिर आपको APID रैपिड लिखना है सारे स्मॉल लेटर्स में, फिर आपको स्पेस देना है, फिर नेट लिखना है, ठीक है। तो तीनों का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और तीनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है इतना लिखने के बाद। उसके बाद आपको APN सेटिंग करना है। APN में क्या आप सेटिंग करोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल R APID रैपिड, फिर आपको नेट लिखना है और फिर BSNL लिखना है और बीटा लिखना है, ठीक है। आप ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे जिस प्रकार से मैंने टाइप किया उसी प्रकार से कैपिटल R, ठीक है, फिर कैपिटल N, फिर कैपिटल B, फिर कैपिटल B, ठीक है, रैपिड नेट BSNL बीटा, ठीक है। फिर आपको ओके दबा देना है, ठीक है। ओके दबाने के बाद आपको प्रॉक्सी नॉट सेट रहने देना है, पोर्ट आपको नॉट सेट रहने देना है, फिर आपको यूजर नेम पे आ जाना है, ठीक है। यूजर नेम पे आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आकर के टाइप करना है स्पीड बोट, ठीक है, कैपिटल S, उसके बाद स्मॉल P, स्मॉल E, स्मॉल E D, फिर कैपिटल B, OT बोट डॉट रैपिड नेट, ठीक है, कैपिटल R APID नेट, ठीक है। फिर आपको ओके कर देना है। ध्यान रहे अगर आपको यहाँ पे हड़बड़ी हो रही है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप टाइप कर दिए और फिर हो गया, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको टाइप करना है स्पीड बोट डॉट रैपिड नेट, ठीक है। फिर आपको ओके कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड नॉट सेट रहने देना है, सर्वर के अंदर आपको आ जाना है, ठीक है। सर्वर के अंदर आपको आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे www.bsnl.co.in टाइप करना है, ठीक है। सर्वर में आप क्या टाइप करोगे तो www.bsnl.co.in यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, फिर ओके कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे MMSC नॉट सेट रहने देना है, MMS प्रॉक्सी नॉट सेट रहने देना है, ठीक है। फिर MMS पोर्ट नॉट सेट रहने देना है, MCC 404 ये आपका और MNC जो भी आपका रह सकता है ये आपके एरिया के नेटवर्क पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे 404 है और 75 है, हो सकता है कि आप में ये चेंज हो क्योंकि ये नेटवर्क के जो है वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ऑथेंटिकेशन टाइप के अंदर यहाँ पे चार ऑप्शंस देखने को मिलता है ना, एक नन का, एक PAP का, एक CHAP का। आपको PAP और CHAP जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
पीएपी और सीएचएपी आप सेलेक्ट कर लोगे, फिर आपको एपीएन टैब डिफॉल्ट रहने देना है। एपीएन प्रोटोकॉल के अंदर दोस्तों आपको IPv4 और IPv6 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखो तीन ऑप्शन है ना, IPv4 का, IPv6 का, ठीक है। ये आपका 32 बिट का होता है IPv4, तो भाई आपको दोनों सेलेक्ट करने देना है, IPv4 और IPv6, ठीक। अब ये सेलेक्ट करने के बाद एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल के अंदर IPv4 और IPv6 ये भी प्रोटोकॉल आपको सेलेक्ट रहने देना है दोनों, ठीक है। IPv4 और IPv6 दोनों प्रोटोकॉल को यहाँ पे भी आप सेलेक्ट रहने दीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे बियरियर का ऑप्शन है, बियरियर के ऑप्शन के अंदर कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें से आपको तीन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला तो आप LTE का ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, फिर आपको HSUPA का सेलेक्ट करना है, और फिर आपको GPRS का सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी और सारे ऑप्शन से जनरली दोस्तों आपको ये तीन ही ऑप्शंस को सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। कौन कौन सा, तो LTE का करोगे, HSUPA का करोगे और GPRS का करोगे, फिर आपको ओके कर देना है, ठीक। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, ठीक है, ये आपको चार ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, इसमें आप नन ही रहने दोगे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मोर का, ठीक है। मोर के ऑप्शन देखने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेव का, ठीक है, आपको सेव कर लेना है, ठीक। अब सेव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो बाहर आ जाना है, देख रहे हो यहाँ पे बाहर आ जाना है। अब बाहर आ जाने के बाद ये दो ऑप्शन आपका पहले से बना रहेगा, जो BSNL GPRS है और BSNL MMS है, ठीक है, ये पहले से आपका बना रहेगा, और जो आपने अभी एक्सेस पॉइंट बनाया है BSNL रैपिड नेट का, ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो आप जो BSNL रैपिड नेट का एक्सेस पॉइंट बनाए हुए हैं इस पे आप सेलेक्ट करोगे, देखो ये सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आ जाने के बाद दोस्तों अपना फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करिएगा, या फिर फ्लाइट मोड करके आप ऑन कर सकते हो, या फिर आप एक बार रीस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप दोस्तों अपना नेट को ऑन करिएगा, डेफिनेटली आपका नेट जो है वो फास्ट चलेगा, ठीक है। ये तो एक प्रोसेस हो गया दोस्तों। दूसरा प्रोसेस ये है भाई कि आप जो है अपना BSNL का सिम, थोड़ा सा जो अभी नए मॉडल के फ़ोन आए हुए हैं 2020-22 के बाद, उनमें थोड़ा सा आप यूज़ करने का प्रयास करिएगा, इसमें जो है वो थोड़ा सा नेटवर्क अच्छे पकड़ते हैं। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर आप देख पा रहे हो, ये जो हमारा फ़ोन है वो 2017 का मॉडल है यहाँ पे सैमसंग का, ठीक है। सैमसंग के अंदर जो J2 Pro का फ़ोन है ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो भाई इसके अंदर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, और ये सही से प्रॉपर इसमें पकड़ता नहीं है। बाकी यदि आप 2020 के बाद के मॉडल वाले फ़ोन यूज़ करते हो तो डेफिनेटली उसमें अच्छे नेटवर्क आते हैं, और वहाँ पर आपको 3G नेटवर्क अच्छा से काम देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया के अंदर BSNL का नेटवर्क है कैसा, ठीक है। अगर आपके एरिया के अंदर BSNL का नेटवर्क सही है तो भाई वहाँ पर आपको 3G और 4G बढ़िया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो बात यहाँ पे BSNL के अंदर सही से हो ही जाता है, लेकिन नेट का इशू थोड़ा बहुत रहता है। तो आप ये सेटिंग कर लो, एक्सेस पॉइंट को सही कर लो, ठीक है, डेफिनेटली आपका नेट जो है वो सही से चलने लगेगा। बाकी मेरे भाई इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।